तो हेलो फ्रेंड, तो आज किस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वाटर पंप। तो चलिए इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे और कितना में हम खरीदे हैं वो भी बताएंगे और कितना हाइट तक ये पानी देता है। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो है यार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कट कर लिया और इसके बाद हमने निकाल लिया है इस डिब्बे को जिसके अंदर ये हमारा अमान छुपा हुआ है, यानी समझ रहे वाटर पंप। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 वाट का है और यहाँ पर कैंची ली है हमारा, बहुत ही खोलने का दम उत्साह है फ्रेंड, क्योंकि हमें सामान हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से बहुत ही सेफ्टी से दिया है, कुछ टूटे फूटे नहीं, इसीलिए गद्दा वाला चिमटा जो होता है वो सब चीज़ में यूज होता है, इसीलिए इसमें दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कितना छोटा है, इसका जो वजन है कुछ काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड, ज़्यादा उतना भी नहीं है लेकिन है कुछ काफ़ी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सब तार ये सब है इस तरीके से दिया, और एक कूपी दिया है जो इस प्रकार से इसमें सेट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही अच्छा है और इसमें क्वालिटी भी अच्छा है। तो चलिए इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो देखते हैं तो कैसा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ये जो है वाटरप्रूफ है, हार्ड ग्लू दिया हुआ है, तो पानी जाने का कोई चांस नहीं है फ्रेंड, इसे पानी में आप डालकर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वायर भी है, खासकर देखिए इतना जादू उतना भी बड़ा नहीं है, इसमें आपको वायर अलग से जोड़कर यूज कर सकते हो। और आगे का पार्ट आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, वह निकल जाए थोड़ा सेफ्टी से, इसमें प्लास्टिक है ना, इसमें तुरंत ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा से निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको हम दिखाने के लिए हम अपना वाटर पंप को खोल लिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है वाशर की तरह लगाया हुआ, क्योंकि पानी छन कर अंदर जाए, कुछ पंखे उखे में फंसे ना। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ज़्यादा अंदर खास नहीं रहता, बस इस प्रकार के एक पंखे दिया होता है, डायरेक्ट मैग्नेट से जुड़ा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज़ से इसे बनाया हुआ है और पानी से उनका कोई दिक्कत नहीं है, पानी में डालने का कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तरफ पानी पड़ गया फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा ट्राई किया था। तो चलिए इसे आपको ट्राई करके भी दिखाएंगे फ्रेंड कि कैसा प्रेशर देता है और कितना हाइट तक प्रेशर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अंदर में है। तो चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं फ्रेंड अच्छी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर सारा प्रकार, थोड़ा आओ महंगा वाट लीजिएगा तो थोड़ा आओ वो प्रेशर देता है। तो अभी हमने 9 वाट का मंगाया था, देखते हैं 9 वाट वाला कितना पानी देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्यों सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग, यहाँ सपोर्ट करो। और चलिए इसे हमने पैक कर दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेस्टिंग करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पाइप ले लिया है, इसे इसमें अच्छे प्रकार से डाल देना है। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पर, और इसको हमें इसमें डाल देना है। देखिए यहाँ पर पानी है तो ये पूरा आप डाल दीजिएगा, वाटर प्रूफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम डायरेक्ट एसी लाइन में डालते हैं और देखते हैं पानी देता है और कितना स्पीड में। तो हम इसको डालते हैं इसमें, अरे देखिए, और यहाँ पर देखिए पानी गिरने लगा फ्रेंड्स, ये देखिए। तो देखिए पानी का जो प्रेशर है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रेशर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी हाइट तक भी जा रहा है। ये देखिए इतना हाइट पर इतना कम पानी देता है, यहाँ से देख लीजिए इतना हाइट है फ्रेंड्स। और यहाँ जैसे नीचे हम करेंगे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आप इसे हो सके तो परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वाटर पंप है, इससे आप कई प्रकार के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप प्रेशर देख लेते हैं, देखिए फिर प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है, इतना दे रहा है प्रेशर, काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं ये, तो प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना है प्लीज़, सपोर्ट करो यार, ठीक बाय।